ट्रक के अनुसार हम बात कर रहे थे, तो छत छेड़ तक की बात पार्ट दो में हो चुकी थी, जो उसके भेद तक की, जो कि छत छेड़ के कोई भेद नहीं होते हैं। अब हम छौथु या सोथ के भेद देखेंगे। जो सोथ या छौथु के भेद होते हैं तो तीन भेद होते हैं। तीन भेद में वातज, पित्तज, कफस, सोथ, तीन भेद होते हैं सोथ के। उसके बाद हमारा जो है दूसरा रोग जो है वो है उदर रोग। उदर रोग के आठ भेद होते हैं, जैसे कि वातो उदर, पित्तो उदर, कफो उदर, सन्नीपातो उदर, पीहो उदर, बद्धो उदर, छिद्रो उदर और दको उदर, या फिर उसे ही हम जलोदर भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये आठ रोग उदर रोग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रोग है वो है अर्स। अर्स रोग के दो भेद होते हैं, एक होता है आर्द्र, एक होता है शुष्क। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है गृहिणी रोग। गृहिणी रोग के चार भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफस और सन्नीपातज। उसके बाद हमारा आता है पांडु रोग। पांडु रोग के भी पांच भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफस, सन्नीपातज और मृदभक्षण पांडु, मृदभक्षण जन्य पांडु। तो यहाँ पे इसके पांच रोग, पांच प्रकार होते हैं या पांच भेद होते हैं। हिक्का के भी पांच होते हैं, तो महती हिक्का होती है, गंभीरा हिक्का होता है, व्यापक हिक्का होता है, क्षुद्रा हिक्का होता है और अन्नजा हिक्का होता है। ऐसे करके हमें पांच याद करने हैं। उसके बाद श्वास के भी पांच भेद होते हैं, कास के भी पांच भेद होते हैं, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। तो ऐसे करके हमको याद करना है। उसके बाद जो हमारे कास के हैं उसमें आप देखेंगे कि वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज, ऐसे करके पांच भेद होते हैं। उसके बाद अतिसार के छह भेद होते हैं, जो कि हैं वातज, पित्तज, कफज और सन्नीपातज, भयज और शोकज। इसके बाद जो है हमारे छर्दी के जो है पांच भेद होते हैं। छर्दी के जो पांच भेद हैं वो हैं दुष्ट अर्थ संयोगज, वातज, पित्तज, कफज और सन्नीपातज। हमें बहुत सारे जो ऐसे हैं जो पांच पांच भेद होते हैं, उनको हम अलग से याद करेंगे, उसका एक अलग वीडियो होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है विसर्प भेद से। विसर्प भेद से सात होते हैं, जो कि है वातज, पित्तज, कफज, अग्नि विसर्प, कर्मद विसर्प, ग्रंथि विसर्प और सन्नीपातज विसर्प। इस प्रकार सात भेद होते हैं। तृष्णा के पांच भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज या आमज। इसमें याद रखना है हमें कफज नहीं होता है, उसकी जगह आमज होता है, और क्षयज और उपसर्गज, ये हमें याद रखना है। उसके बाद मदात के चार भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्नीपातज। इसके बाद व्रण के जो होते हैं वो दो भेद होते हैं, निज और आगंतुज। लेकिन निज से भी अगर तीन भेद और होते हैं, जो कि होते हैं वात, पित्त, कफजन्य। तो व्रण के हमारे इस प्रकार वात निज के अंदर तीन भेद और होते हैं। उसके बाद जो हमारा त्रिमर्मीय चिकित्सितम अध्याय है उसके अंतर्गत छह उदावर्त के रोग, अनाह का एक सिंगल रोग, मूत्रकृच के चार रोग, हृदय रोग के पांच, शिरो रोग के पांच और आरुचि के पांच रोग होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो है हमारा उदावर्त। उदावर्त में अपान वायु को वेग को रोकने से, मूत्र के वेग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से, शुक्र के वेग को रोकने से, वमन के वेग को रोकने से और छींक के वेग को रोकने से उदावर्त के ये सब पूरे भेद हैं, उदावर्त होता है। और मूत्रकृच के चार बताए गए हैं, वातज, पैतिक, कफज और सन्नीपातज। उसके बाद हमारा जो है हृदय रोग। हृदय रोग जो है वातज, पित्तज, कफज, सन्नीपातज और कृमिज। उसके बाद हमारा आता है शिरो रोग। शिरो रोग में वातज, पित्तज, कफज, सन्नीपातज और कृमिज। जो हमारा हृदय और जो शिरो रोग है उन दोनों में सेम पांच प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना कि शिरो रोग और हृदय रोग दोनों में ही सेम पांच प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्नीपातज और कृमिज। इसके बाद आरुचि में देखेंगे तो वातज, पित्तज, कफज, सन्नीपातज और द्वेषज। तो यहाँ पे जो दोषजन्य हैं या द्वेषज हम जो बोल रहे हैं उसे आपको याद रखना है कि इसमें दोषजन्य जिसे देख करके आरुचि का मान होना। उरु स्तंभ सिंगल है, उरु स्तंभ में आम और त्रिदोष के संबंध में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमें पता है कि नानात्मज में व्याधियाँ होती हैं, जैसे कि वात की 80 प्रकार की, उसके बाद पित्त की 40 और कफ की 20 प्रकार की नानात्मज व्याधियाँ होती हैं। उसके बाद योनि व्यापद की बात करते हैं तो योनि व्यापद में आपको पता है कि 20 प्रकार होते हैं, जिनमें कि वातला, पित्तला, कफजा,
उसके बाद है त्रिदोषजा, रक्तजा, अरजस्का, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, उपलुता, परिप्लुता, उदावर्तनी, कर्डिनी, उत्तग्नि, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, संडी और महायोनि। इन सभी को आपको याद करना है। आप एक पेपर पे पूरे के पूरे जितने भी भेद बताए गए हैं तीन पार्ट में, उनको आप एक से दो पेज में पूरे के पूरे लिख लें और अपने हिसाब से याद करें। हम इसकी एक और ट्रिक भी देने वाले हैं जो कि आगे के वीडियोस में होगी, जो कि किस किस में पांच प्रकार के रोग हैं और वो क्या क्या हैं और उसे कैसे याद करना है, तो उसके लिए आप आगे के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा जिसमें कि आपको PDF मिल जाएगा।